तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अकाउंट के यहाँ पर इंपोर्ट एंड सेटिंग्स के बाद यहाँ पर फिल्टर्स एंड ब्लॉक एड्रेस करना है। तो फिल्टर्स और ब्लॉक क्या होता है? अगर कोई ऐसा ईमेल है जिसको आपको फिल्टर करना है, जैसे कि 2 MB का मेल है तो वो अलग तरह की सो हो, फिर आपका कोई ऐसा ईमेल है जहाँ से वो एड्रेस से आया है, उस एड्रेस का कोई आदमी या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको बार बार परेशान करता है, या तो फिर कोई वो एड्रेस ऐसा है जो वायरस के साथ कनेक्ट है, या तो फिर वायरस के साथ कुछ उसका ईमेल अटैचमेंट है, तो ऐसे एड्रेस को आप क्या कर सकते हो? ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्लॉक कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इनकमिंग मेल मतलब जहाँ से ये दूसरा सेटिंग से होगा यहाँ पर, तो इनकमिंग मेल क्या होता है? जैसे ही वो मेल सामने वाले से हमारे ईमेल आईडी में एंटर होता है, तो इसको किस तरह से इसको सेट करना है, किस तरह से उसको फॉरवर्ड करना है, पॉप टू आईएमई, तो ये जो पॉप और आईएमएफ के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, किस तरह से उसको आगे भेजना है वो भी हम सीखेंगे। इन प्रोटोकॉल को कंट्रोल करेंगे। ओके, फिर हम सीखेंगे कि उसके तीसरे सेटिंग्स के अंदर ये पॉप इनेबल और डिसेबल को पॉइंट ऑफ यहाँ पर उसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। फिर और नए अगले सेटिंग्स में सीखेंगे कि आई मैप इनेबल करना है या तो फिर डिसेबल करना है। फिर आपको ऑफलाइन क्या होता है ये सेटिंग्स हमको सीखने हैं। ओके, तो आपने थीम्स को सीखा ही होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा थीम्स क्या होती है, कौन कौन से अलग अलग थीम आप सेट कर सकते हो आप कंप्यूटर के लिए, आपके डेस्कटॉप के लिए। तो ये जो थीम जो होती है ये सिर्फ हमारे जीमेल के बैकग्राउंड के अंदर होती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए हम ये थीम्स क्या करते हैं, सेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा गूगल का जो लास्ट ये वीडियो नहीं है अभी, क्योंकि गूगल के अंदर हम जीमेल पढ़ रहे हैं, तो ये अभी तो हमारा जीमेल का ये लास्ट वीडियो है। इसके बारे में इस आपको मैंने बता दिया था कि हम लास्ट वीडियो के अंदर पूरा जो बाकी हुआ जो सेटिंग है अभी, तो सभी बाकी सेटिंग्स को मैं यहाँ पर कवर करेंगे हम। तो हर एक सेटिंग्स की क्या क्या खासियत होती है हम पहले पॉइंट में सीखेंगे, फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस क्या होता है, दूसरे पॉइंट में सीखेंगे कि फॉरवर्ड पॉप एंड आईएमएफ क्या होता है, ऑफलाइन तीसरे पॉइंट में हम सीखेंगे, और थीम्स जो है वो चौथा पॉइंट में हम सीखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हमारी जो कुछ सेटिंग्स बाकी रह गई थी यहाँ पर अकाउंट एंड इम्पोर्ट सेटिंग्स में हमने पिछली 4 वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। तो हमारे जीमेल की जितनी भी सेटिंग्स है ये यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आज हम क्या सीखेंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले आप वो सारी वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर सिर्फ सेटिंग्स के बारे में सिखाया जाता है अभी, तो ये जो सेटिंग्स के वीडियो है यहाँ पर, तो गूगल के अंदर जो जीमेल जो फैसिलिटीज है यहाँ पर, तो ये जीमेल के अंदर कौन कौन से और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल सकती है यहाँ पर, तो कीबोर्ड शॉर्टकट से यहाँ पर, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट आप जैसे कोई फाइल क्रिएट करते हो तो कंट्रोल ए दबाओ तो सारा सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल एक्स करते हो तो वो कट हो जाता है, कंट्रोल सी करते हो तो कॉपी हो जाता है। तो उसी तरह से ये यहाँ पर अलग अलग आप शॉर्टकट क्रिएट करके यहाँ पर सेट कर सकते हो यहाँ पर, कि कौन कौन से शॉर्टकट को आपको सेट करना है। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी सेटिंग्स आप चेंज करते तो आपको सेव पर क्लिक करना होगा, तभी वो सेटिंग्स सेव हो जाएगी। ओके, फिर हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो जितनी भी सारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ मैं टिप्स दूंगा आपको, एडवांस मेथड सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस मेथड सीखनी है तो आप कमेंट करें मुझे, और यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी होती है वो भी बताऊँगा। तो जीमेल के अंदर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं यहाँ पर, तो एडवांस मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा कौन कौन सी यहाँ पर सेटिंग्स है यहाँ पर एडवांस की जो मेथड होती है यहाँ पर, तो अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन में देता हूँ यहाँ पर, तो पिछली वीडियो जो 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे अकाउंटिंग इम्पोर्ट और दूसरे 2 जनरल सेटिंग्स के, तो कुल हमारे टोटल 6 पार्ट होते हैं यहाँ पर, तो 6 पार्ट आप देख ले, क्योंकि ये सारी 6 पार्ट के अंदर मैंने
सारे सारे के सारे 6 पार्ट के अंदर मैंने आपको समझा दिया है सेटिंग्स क्या होती है, कौन कौन सी सेटिंग्स है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर बात आती है एडिशनल स्टोरेज जो होता है हमारा, तो मैंने कहा था कि ये परचेस करना चाहते तो परचेस कर सकते हो एडिशनल स्टोरेज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो कर सकते हो। मैं बता देता हूँ किस तरह से परचेस। तो 15 GB की फ्री पेस देता है अभी। तो जीमेल का काम यही है कि क्लाउड स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस जो होता है इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि आपका हार्ड डिस्क जो फुल हो गया है, तो वो हार्ड डिस्क को फुल होता है लेकिन फिर भी आपका इंटरनेट आप चला रहे हो फ्री है, या तो फिर आप कोई आपका इंटरनेट का प्लान अच्छा है तो आप क्लाउड पर भी आप सेव कर सकते हो। इसको कहते हैं गूगल ड्राइव कहते हैं उसको। तो मैंने आपको कहा था कि 15 GB आप जब यूज़ कर लोगे तो फिर आपको और ज़्यादा, आपको गूगल ड्राइव लिखा है, जीमेल लिखा है, गूगल फोटो से, ये 3 तरह की ये सिर्फ पार्ट में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है 15 GB को। तो जीमेल के अंदर 0 GB है अभी, गूगल फोटो मैंने कोई ओपन अपलोड नहीं की, कोई फोटो अपलोड नहीं की है, और गूगल ड्राइव है। ओके, तो ये चीज़ें होती है। फिर बात आती है हमारे फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस की। तो फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस क्या होता है इन शॉर्ट में, अगर कोई नया कोई आपको अप्लाई इनकमिंग मेल है उसको फिल्टर करना है, कोई नए कोई इम्पोर्ट एम्प्लॉय के लिए, नए कोई सिस्टम के लिए, तो आप कर सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट हैश वर्क सब कुछ, तो आप सर्च कर सकते हो इसके अटैचमेंट के अंदर। ओके, तो फिल्टर करेगा वो, और कितनी MB के अंदर आना चाहिए, कितने MB के अंदर वो ब्लॉक होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर सेट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं इसको बाद में बताऊँगा। इम्पोर्ट फाइल फिल्टर क्या होता है, इम्पोर्ट मतलब जो वहाँ से फाइल आई है और यहाँ पर मुझे इम्पोर्ट करना है, तो फाइल किस तरह की मुझे चूज फाइल पर क्लिक करूँगा, तो कोई फाइल चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो, चॉइस कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो चूज़ नहीं करूँगा मैं, कैंसिल करूँगा इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का काम यही होता है, ज़्यादातर नहीं होता है यहाँ पर। तो इम्पोर्ट का काम यही होता है कि जब भी हम कोई फाइल बाहर से अंदर लाते हैं तो इसको कहते हैं इम्पोर्ट, और अंदर से बाहर भेजते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ओके, तो ये फिल्टरिंग का काम क्या होता है कि अगर हमारा जो फाइल अंदर से बाहर जाता है तो बाहर से अंदर हमारा फाइल आता है तो कितने MB का होना चाहिए, कितने कितने MB के साथ साथ कौन सा है, तो ये सब कुछ यहाँ पर जीमेल फैसिलिटीज देता है। तो आपको जहाँ से आया था उसका नाम दे सकते हो यहाँ पर, और किसको भेजना है वो भेज सकते हो आप, उसका सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ड्स जो लिखने हैं, जो शब्द लिखने हैं वो, फिर आपको कोई लिखना है या नहीं लिखना है आपको भी डिपेंड है, साइज कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन और 0 MB लिखा, तो ये फिल्टर का काम होता है। ओके, एक तरह का एक एक कंट्रोल बन जाएगा यहाँ पर, जो ज़्यादातर मान लो कि 10 MB की होती तो वो फाइल अंदर नहीं आने देगा। ओके, तो मैं कहूँगा कि आपको इसको संभल के आपको ध्यान से सेटिंग करना होगा। पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है ये, पॉप और IMAP, ये दो एक प्रोटोकॉल है, दोनों प्रोटोकॉल है, और ये दोनों प्रोटोकॉल क्या होता है, मेल को रिसीव करने के लिए होता है, मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल होता है, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP यूज़ होता है मेल को भेजने के लिए, तो हर एक के लिए प्रोटोकॉल होता है। तो मैं नेटवर्क के अंदर बताऊंगा प्रोटोकॉल क्या होता है, लेकिन अभी अभी समझ लो कि फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP लिखा है यहाँ पर। फॉरवर्डिंग क्या होता है कि मैंने जो अभी कोई मेल किसी ने मुझे भेजा, वही मेल चेंजिंग नहीं करना है उस मेल के अंदर, वही वैसे का वैसे मेल दूसरे के पास भेजना है, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर फॉरवर्ड तो होगा लेकिन ये यहाँ पर एड्रेस का फॉरवर्ड है, तो आपको ईमेल एड्रेस किसी का डालना है तो डाल सकते हो यहाँ पर, कि जब भी मेरा कोई ईमेल आईडी है, ईमेल है, तो मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा तो वो पूछेगा कि कौन से ईमेल आईडी पर, तो यहाँ पर इसको ईमेल आईडी एंटर करना है और सेंड कर देना। ओके, तो वही मेल भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये काम होता है पॉप का, वो रिसीव करने का। ओके, भेजने का काम मैंने जब भी फॉरवर्ड करके भेजा या तो फिर मैंने यहाँ पर कंपोज करके मैंने कोई नया मैसेज करके भेजा, तो ये काम किसका है, SMTP का है। ओके, तो मैं जब भी मेरा कोई
आएगा मेल तो यहाँ पर पॉप और आईएमएफ के अंदर। इन दोनों में फर्क क्या है? पॉप जो है ऑटोमेटिकली मेल जो होता है वो रिसीव करके हमारे इनबॉक्स के अंदर एंटर कर लेता है, ओके, इनबॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। लेकिन आईएमएफ जो होता है उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप की तरह होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ओके, उसको डाउनलोड करना। लेकिन ज़्यादातर बार डिफॉल्ट पॉप पर ही चल रहा है अभी, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले के टाइम पर जो आईएमएफ था वो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। पहले मेल को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद चेक करना होता है आईएमएफ के अंदर, ओके, कि पॉप डाउनलोड लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो कि पॉप डिसेबल लिखा है, डिसेबल करना चाहते हो डिसेबल कर सकते हो, निबल पॉप ऑल। तो मैं कहूँगा इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग मत कीजिए, को समझाने के लिए ये सिर्फ है। तो ऑल मेल के लिए इनेबल करना चाहते हो पॉप को तो कर सकते हो, यहाँ पर सारे के सारे जो मेल होते हैं वो आपके मेल पॉप के अंदर डिसेबल हो जाएंगे, ओके। इनेबल करना पॉप मेल एरर, जब आपका आएगा मेल तब आपको इनेबल करना तो कर सकते हो। जब आपका मेल आ जाता है तो एक्सेस किस तरह से करना चाहते हो आपको, तो ये भी बताइए। इनबॉक्स के अंदर कॉपी करेगा, फिर कॉन्फ़िगर ईमेल, ईमेल क्लाइंट होता है जो आउटलुक कर होता है, ईडोरा होता है, नेटस्केप मेल होता है। तो ये जो है सर्विसेज से अलग अलग तरह की, तो जो लोग आउटलुक में पसंद करते हैं मेल को लाने के लिए, ईमेल को यूज़ करना चाहते हैं, या तो फिर ईडो भी नेटस्केप में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगर इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके भी आपको करना होगा। कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो डायरेक्ट सीधा आपको
जो होती है तो रिस्पॉन्स होते हैं जो कुछ टेम्पलेट्स जो होती है हमारे टेम्पलेट्स मतलब हमारे जो गूगल के अंदर जो पिछले जो पिछले बिहाइंड सा देख सकते हैं अभी सब टेम्पलेट्स है जो आप देख सकते हैं फैसिलिटीज है यहाँ पर तो टेम्पलेट्स है यहाँ पर तो आप इनेबल कर सकते हो। ओके फिर ऑफलाइन लिखा है तो मैं उसको जो मैं चेंजिंग किया है मैंने उसको सेव कर दूंगा सेव होगा। ओके तो सेव होने के बाद वो फिर से ओपन होगा देख सकते हो यहाँ पर चैट किया है तो मैंने चैट साइड पर वो पेज बता रहा है आप। ओके साइड राइट साइड पर तो ये कुछ चेंजिंग हुआ लेकिन उसको मुझे बंद कर देना है राइट साइड नहीं बता रहे थोड़ा सा कन्फिगर ज़्यादा हो गया है तो राइट साइड चैटिंग जो मैं की थी यहाँ पर एडवांस के अंदर उसको बंद करना है यहाँ पर। इसको डिसेबल करना चाहता हूँ सेव करूँगा देख सकते हो आप यहाँ पर राइट साइड जो चैट थी वो निकल गई है। ऑफलाइन क्या होता है जो हमारा जो ऑफलाइन इनेबल ऑफलाइन मेल करना है तो ऑफलाइन भी रख सकते हो आप यहाँ पर लेकिन उसके अंदर जैसे ही आप देख सकते हो कि स्टोरेज कितनी होगी 24 MB से 3 GB अवेलेबल है यहाँ पर ऑफलाइन मेल ऑन योर कंप्यूटर के अंदर तो आप कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर आप मैं कहूँगा कि ये चीज़ मत कीजिए और इनेबल मत कीजिए। थीम्स जो मैंने कहा था कि आपको थीम सेट करनी है पीछे तो यहाँ पर सेट थीम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी डिज़ाइन आएगी तो यहाँ पर पीछे जो होती है थीम्स चेंज हो जाएगी। ओके तो ये थीम्स चेंज करना चाहते हो थीम्स चेंज कर सकते हो इसके आपके ऊपर क्लिक करना है फिर सेव कर देना है तो ये थीम चेंज हो जाएगी। ओके फिर सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट है यहाँ पर तो इस कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप सेट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर पढ़ना है कुछ नहीं करना है कंपास जब आप ये ओपन करना चाहते हो तो सी के साथ कौन ओपन करना चाहते हो तो ऑपरेशन ऑपरेस करके फिर आपको कंपोजिट टैब सर्च मेल कोई मेल को सर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो फिर सेव करना है। ओके तो ये शॉर्टकट की आपको सेट करनी होती है तो सी ओपन करोगे तो कंपस हो जाएगा। ओके तो डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह सेट करना है तो हाँ फिलहाल हमारा जो जीमेल का जो सेटिंग था वो पूरा हो गया। आप थीम्स के बारे में आपको बता दिया शेयर योर थीम किसी को शेयर करना है शेयर भी कर सकते हो आप गूगल को कुछ सेंड पिक भेजना है तो भेज सकते हैं आप। जीमेल की सेटिंग 100% हो चुकी है हमारी। डिस्प्ले डेस्टिनी मैंने आपको बता दिया था डिस्प्ले डेस्टिनी क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से डिस्प्ले आपको दिखना चाहिए तो मैं कंफर्टेबल आप यूज़ करना चाहते हो कॉम्पैक्ट करना चाहते हो मैं डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि डिफॉल्ट अच्छा है अभी। ओके तो ये चीज़ होती है यहाँ पर मैंने आपको जीमेल तमाम जीमेल का ये पूरा वीडियो पूरा हो गया है। फिर लेफ्ट साइड देखते मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तीन मेन मेनू ऊपर तो आप देख सकते हो इसको बंद करना चाहते हो बंद भी कर सकता है इस तरह से हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसको बाय डिफॉल्ट यही रहने दे। किसी को मेल भेजना है किसी को रिसीव करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके तो डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से सेट करना है ये गूगल के एप्लीकेशन से सारी। ओके गूगल प्ले स्टोर है कॉन्टेक्ट है गूगल ड्राइव है तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो गूगल ड्राइव क्या होती है किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है तो ये भी प्लेलिस्ट है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।